Okay, good morning all. Good morning students. Good morning, ma'am. Okay, so today we are going to start our next book. Okay, that is Fundamental of Human Geography. Of this book, we will start first chapter of your book, that is Human Geography, Nature and Scope. In this chapter, what we will discuss, about human societies. What is the interrelations between human society and our environment? इनके बारे में दोनों के जो interrelations हैं, आपको पता है कि हम लोग भी environment पे बहुत dependent हैं और environment भी हमसे बहुत सारी चीजें जो है वो लेता है. तो इस तरीके से जो interrelations हैं उनका, वो सारी चीजें हम लोग इस chapter के अंदर पढ़ने वाले हैं. Okay, so last जो previous year था उसमें हमने पढ़ी थी physical geography, है ना. फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अबाउट लैंडफॉर्म्स, अबाउट सॉइल, ओके, वाटर, इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था, है ना. अब यहाँ पर हम लोग जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे जो रोड्स होती हैं, विलेजेस होते हैं, रेलवेज होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, ठीक है. तो ये दोनों के दोनों क्या है, जो ह्यूमन सोसाइटी है वो एनवायरमेंट के साथ में किस तरीके से इंटररिलेट करता है, उन सारी चीजों के बारे में इस बुक में हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. सो इफ यू रीरीड द चैप्टर यू विल बी एबल टू रिकॉल एंड द लिंक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. आप लोग क्लास टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन हो जाते हो, रह रहे के आपने सबके साथ, है ना. विद द मदर डिसिप्लिन ज्योग्राफी. देखिए, एक तरह से अगर हम बात करें कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े थे, जो प्रीवियस बुक पढ़ी थी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, है ना, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको एक तरह से क्या दिया गया है, मदर डिसिप्लिन बोला गया है ज्योग्राफी का. एज यू नो, ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटरग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल. ठीक है, तो यहाँ पर ज्योग्राफी को क्या माना गया है, उसकी जो स्टडी है ना, उसको क्या माना गया है, इंटरग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल. तो इंटरग्रेटिव का क्या मतलब होता है? तो इंटरग्रेटिव का मतलब होता है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है और जो एनवायरमेंट है उनके बीच का जो रिलेशंस है उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं. ठीक है, एम्पेरिकल की क्या बात होती है? एम्पेरिकल इन द सेंस की जो साइंटिफिक अप्रोच, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत सारे जो ज्योग्राफर्स रहे होंगे उन्होंने अपनी अपनी जो अप्रोच लगाई है ज्योग्राफी को समझने के लिए, उनके बारे में हम बात करेंगे. देन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर किसी रीजन के अंदर जो है सर्वेस किए जाते हैं और उसके अंदर कुछ टूल्स का यूज किया जाता है. तो इन सारे अप्रोचेस को क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी को समझने के लिए प्रैक्टिकल बोला जाता है. दस The reach of geography is extensive and each and every event of phenomena which varies over space and time can be studied geographically. देखिए, the reach of geography जो है हमारी काफी ज्यादा क्या है, extensive है, and each and every event of phenomena, इसका जो हर time periodly जितने भी changes हुए हैं, है ना, वो क्या है हमारे, which varies over space and time. Space यानी कि आपका जो पूरा होल अर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो टाइमली यहाँ पर क्या देखने को मिले हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, है ना. तो उन्हीं की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकली बोलते हैं. हाउ डू यू सी द अर्थ सरफेस, आपने देखा होगा कि अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा दिखता है. डू यू रियलाइज दैट द अर्थ कंप्राइजेस टू मेजर कंपोनेंट्स. तो हमने देखा होगा कि जो हमारा अर्थ है वो दो मेजर कंपोनेंट से बना हुआ है, दैट इज फिजिकल एनवायरमेंट एंड लाइफ फॉर्म्स, और वी कैन से ह्यूमन ज्योग्राफी, ओके, ह्यूमन एनवायरमेंट भी बोल सकते हैं. तो फिजिकल एनवायरमेंट एंड लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, लाइफ फॉर्म्स के अंदर सारे क्या चीज है, जो ह्यूमन है अपने आप में जो क्या क्या एक्टिविटीज करता है, उन सारी चीजों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. मेक ए लिस्ट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ योर सराउंडिंग. ये आपको खुद को करना है कि आपके आसपास में जितने भी चीजें हैं, ह्यूमन कंपोनेंट्स है, उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है. फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल एनवायरमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल, नेचर एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स. अब देखो, फिजिकल एनवायरमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, फिजिकल एनवायरमेंट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं लैंड फॉर्म्स के बारे में, सॉइल्स के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, वाटर के बारे में, इन सारी चीजें जो फिजिकली
प्रेजेंट है, उन सारी चीजों की स्टडी जो है हम इसके अंदर करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इसके अंदर हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। जो हम जो फिजिकल है और ह्यूमन है ना, उन दोनों का जो रिलेशन है, इंटर रिलेशन है, उसकी स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। ओके, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना एंड हाउ दे केम अबाउट। तो इसके अंदर आप देखेंगे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का इन द सेंस का मतलब है जो स्पेस है, ठीक है। तो इसका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके के जो चेंजेस आते हैं इंट्रैक्शन से ह्यूमन और फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से, तो इसी की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। द सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप लोग देखेंगे कि इस वजह से जो इकोनॉमिकल आप देखेंगे कि बहुत सारे सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में या वर्ल्ड की बात करें, पूरा एज होल अर्थ की बात करते हैं, तो वहां का रिसोर्सेस डिफरेंट होंगे, वहां के लैंडफॉर्म्स डिफरेंट होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां का सोशल कल्चर डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपकी इकोनॉमी में काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो इन सब की डिटेल स्टडी उसे किसमें की जाती है, ह्यूमन ज्योग्राफी में की जाती है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट विच हैव सस्टेन देम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा होगा, ये सारे फैक्ट्स आप लोगों ने देखे होंगे कि जो ज्योग्राफी है एज ए डिसिप्लिन, हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास के अंदर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, उसमें हमने क्या समझा, उसमें हमने देखा कि अर्थ जो है वो क्या है, होम है, ह्यूमन बींग्स का भी है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स जो है ह्यूमन बींग करता है, इसके अलावा यहाँ पर सस्टेन है, यानी कि आगे भी वो जो चेंजेस ला रहा है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करके, उन सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ा जाता है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। दस एम्फेसिस इज ऑन स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। यू विल रियलाइज दैट ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्टेड टू ड्यूअलिज्म एंड वाइड रेंजिंग डिबेट्स स्टार्टेड वेदर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन शुड बी ए लॉ मेकिंग थ्योरीजिंग या फिर आप कह सकते हैं नोमेथेटिक और डिस्क्रिप्टिव, है ना, आइडियोग्राफिक। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ज्योग्राफी की जो स्टडी है, पिछले भी हम लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसके अंदर आपने देखा ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिज्म का क्या मतलब होता है कि ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए जो वर्ड है ज्योग्राफी, उसके अंदर भी लोगों के बहुत सारे ड्यूअलिज्म, यानी कि एक डेफिनेशन नहीं रही है, हा? लोगों के एक मत नहीं रहे हैं, बहुत सारे ओपिनियंस रहे हैं ज्योग्राफी, किसी ने किसी टर्म के अंदर उसको एक्सप्लेन किया है, किसी ने किसी टर्म के अंदर उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वेदर इट इज सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज एंड अप्रोचेस ऑफ द स्टडी शुड बी रीजनल और सिस्टमैटिक। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, कईयों ने इसको एक सिस्टमैटिक स्टडी बताया है और कईयों ने इसको रीजनल स्टडी बताया है। रीजनल स्टडी के अंदर क्या किया जाता है, है ना, किसी होल अर्थ, जैसे कि आप लोगों ने सारे एलिमेंट्स ले लिए, है ना, सॉइल भी ले ली, वाटर भी ले लिया, तो पूरे अर्थ पर सारे के सारे देखा जाता है कि वाटर सब जगह कैसा है या सॉइल सब जगह कैसी है, वेजिटेशन को कैसा है, पूरा होल अर्थ पे देखा जाता है, ठीक है। सिस्टमेटिक के अंदर क्या देखा जाता है कि पर्टिकुलर किसी एक चीज को लेकर उसमें पूरी स्टडी जो की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है, और ये किसमें होता है, ज्योग्राफी में। वेदर ज्योग्राफिकल फिनोमिना बी इंटरप्रेटेड थ्योरेटिकली और थॉट हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस, दीज हैव बीन इश्यूज फॉर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस, बट फाइनली यू विल अप्रिशिएट दैट द डिक्टोनॉमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट ए वेरी वैलिड वंस बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स एंड शुड बी सीन होलिस्टिकली। आप देखेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे अप्रोचेस थी, थ्योरीज थी यहाँ पर, और इसका विरोध भी हुआ था, ठीक है ना, विरोधाभास भी है, ये विरोधाभास कहेंगे कि कई ऐसे साइंटिस्ट आए थे, कई ज्योग्राफर्स ऐसे आए थे जिन्होंने एक दूसरे को ओपिनियंस को गलत बताया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे डिक्टोनॉमी रही है बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, लेकिन इज नॉट ए वेरी वैलिड वन बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा वेरी नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों के दोनों को इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल इन द सेंस कि दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, है ना, दोनों का इंटर रिलेशन होता ही होता है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि इंसान जो है जितना भी लैंड सरफेस है या वाटर है या सॉइल है, फिजिकली वहां पर सारी चीजों को देख
सॉरी देख के ही वहां पर जितने भी एक्टिविटीज करते हैं वो वहां पर इंटर रिलेटेड होते हैं फिजिकल के एलिमेंट एंड शुड बी सीन हिस्टोरिकली होलिस्टिकली. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन. ये देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है कि फिजिकल और ह्यूमन जो फिनोमिना है आर डिस्क्राइब इन मेटाफोर्स यूजिंग सिंबल्स फ्रॉम द ह्यूमन एनाटॉमी. तो आप लोग देखेंगे कि जो ह्यूमन एनाटॉमी है यानी कि जो फिजिकल फीचर्स होते हैं ह्यूमन के, है ना, तो इन दोनों का क्या कितना रिलेशन है या कितना इंटर रिलेट है ये दोनों फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इससे ये भी डिस्क्राइब होता है कि इतने बहुत सारी चीजों को ह्यूमन एनाटॉमी से कंपेयर किया है. जैसे कि वी ऑफन टॉक ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, हम लोग कहते हैं ना फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्ट्रॉम, माउथ ऑफ द रिवर, है ना, स्नोट यानी कि नोज ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द इस्थमस एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल. तो इसी तरीके से यानी कि किस तरीके से इंटरलेट किया गया है ह्यूमन एनाटॉमी के थ्रू, है ना. सिमिलरली रीजंस विलेजेस टाउन्स हैव बीन डिस्क्राइब एज ऑर्गेनिज्म. इसी तरीके से जितने भी विलेजेस होते हैं, है ना, टाउन्स होते हैं, उनको भी कैसे डिस्क्राइब किया गया है, ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है. जैसे जर्मन ज्योग्राफर थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था स्टेट एंड कंट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. उन्होंने एक जर्मन ज्योग्राफर थे, उन्होंने जो पूरी स्टेट है या कंट्री है उसको कंट्री को ही स्टेट बोला गया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसको क्या नाम दिया गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज एंड वाटरवेज हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज द आर्टरीज. तो देखेंगे कि जो रोड है, रेलवेज है, रिवर्स है, जिस तरीके से हमारी जो आर्टरीज होती है वो ना वेन्स होती है, उसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, देखिए, नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज एंड वाटरवेज हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब एज आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन. ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंस बताई गई है कि रेल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, रोड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, रिवर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, है ना, एक कंट्री के लिए. कैन यू कलेक्ट सच टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस फ्रॉम योर ओन लैंग्वेजेस. आप अपने लैंग्वेजेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं. द बेसिक क्वेश्चंस नाउ अराइजेस, कैन बी सेपरेट नेचर एंड ह्यूमन व्हेन दे आर सो इंट्रिकेटली इंटरवाइंड. क्या आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? अब देखो, बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफर्स रहे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी को अपने अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो यहां से आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये डेफिनेशन आती है. देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है जो समझनी है, है ना, सब कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी. ओके, तो ये वैसे तो 2 मार्क्स का ही चैप्टर रहता है, लेकिन इस बार जो आपके चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये 4 मार्क्स का चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है. तो पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से बनता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन करना अकॉर्डिंग टू रेडजेल, अकॉर्डिंग टू एलएनसी सैंपल, अकॉर्डिंग टू पॉल विडाल लीला ब्लाश. ये आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी, एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी. और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि डेफिनेशन दे रखी होती है, स्टेटमेंट दे रखा होता है और ये पूछा जाता है कि ये किसके थ्रू दिया गया है. ओके, तो किस तरीके का क्वेश्चन आएगा यहाँ से वो ध्यान रखना. तो यहाँ पर ज्योग्राफी को डिस्क्राइब किया है रेडजेल ने. रेडजेल ने क्या कहा, देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस. तो यहाँ बताया गया है कि जो सिंथेटिक स्टडी है किसकी, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, सिंथेटिक स्टडी है किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सर्फेस. ह्यूमन सोसाइटी का अर्थ सर्फेस के साथ में क्या रिलेशन रहता है, उसकी स्टडी को, सिंथेटिक स्टडी को क्या कहा गया है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहा गया है अकॉर्डिंग टू रेडजेल. ओके, देन यहाँ पर बताया सिंथेसिस हैज बीन एम्फेसाइज इन द अबाउट डेफिनेशन. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, इसका आपको यूज करना है इसके अंदर. ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ. एलन सैंपल जो है उनका क्या कहना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी किसका रिलेशन है, यानी कि जो रिलेशन है चेंजिंग रिलेशनशिप, यानी कि जो अनरेस्टिंग मैन है, आदमी कभी रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, इन्वेंशन करते रहते हैं. ठीक है, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, अर्थ भी स्टेबल नहीं है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन की वजह से जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उनकी स्टडी को ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एलएनसी सैंपल. ओके, तो यहां पर देखेंगे
कि कीवर्ड दे रखा है यहाँ पर है ना डायनामिज्म. उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ऑल विडाल डी ब्लास्ट. ये क्या कहते हैं, कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग अवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशन बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहैबिटेड. देखो यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पर हम लोग इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उन्होंने बोला है कि कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग अवर अर्थ, यानी कि जो फिजिकल लॉज है वो क्या कर रहे हैं, अर्थ को गवर्न कर रहे हैं. एंड ऑफ द रिलेशन बिटवीन द लिविंग बींग्स, उसके साथ में जो लिविंग बींग्स का क्या रिलेशन है उसको हम इन्होंने क्या कहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहा गया है. किसके अकॉर्डिंग, पॉल विडाल डी ला ब्लास्ट. तो आपको एज इट इज जो है डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, यहां से ये क्वेश्चन बनता है. उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, दैट इज नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में दो तीन चीजें आती हैं, है ना, नेचुरलाइजेशन आपका आता है, पॉसिबिलिज्म आता है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं डिटर्मिनिज्म. ओके, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म. तो ये तीन चीजें हैं जो है वो यहां पर आपको समझनी है. क्या क्या कहता है देखिए, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या कहा गया है, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट एंड सोशल कल्चर एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर. अब देखो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक स्टडी है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड फिजिकल एनवायरमेंट, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है जो और जो सोसाइटी है यानी कि जो एनवायरमेंट को देखते हुए ह्यूमंस ने जो एक्टिविटीज की हैं उसका एनवायरमेंट के साथ में क्या इंटर रिलेशन है उसकी स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं. अब इसमें क्या दिया गया है, हैव ऑलरेडी स्टडीड द एलिमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट इन क्लास 11. ये सारी चीजें हमने जो फिजिकल एनवायरमेंट, अब हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं उसके अंदर आपके रेलवे आ गए, आपकी बिल्डिंग्स आ गई, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह हैं या एग्रीकल्चर, ये सारी की सारी किसमें आती है, आपकी ह्यूमन जो सोसाइटीज है उसके अंदर इंक्लूड होती है. अब फिजिकल एनवायरमेंट में क्या आ रहा है, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है ना, इन द बुक एंटाइटल फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. You know that these elements are landforms, soil, climate, water, natural vegetations and diverse flora and fauna. तो ये सारी चीजें किसमें आ रही है, आपकी फिजिकल एनवायरमेंट के अंदर आ रही है. ठीक है, कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ, ये सारी चीजें छोड़िए ठीक है, यहां से देखो, हाउसेस, विलेजेस, सिटीज, रोड, रेल, नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, फार्म, पॉट्स, आइटम्स ऑफ अवर डेली यूजेस एंड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ मटीरियल कल्चरल हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स यूजिंग द रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय द फिजिकल एनवायरमेंट. अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल एनवायरमेंट से हम लोग रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर रहे हैं. ठीक है, सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो हमने कहां से लिए हैं, फिजिकल एनवायरमेंट से लिए हैं, और लेकर क्या बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, फार्म्स हैं, पॉट्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग बना रहे हैं. तो हो गया इंटर रिलेशन इन दोनों का. ठीक है, तो इसकी स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं. व्हाइल फिजिकल एनवायरमेंट हैज बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बीइंग्स, तो फिजिकल एनवायरमेंट जो है इसको हमने किसने, ह्यूमन बीइंग्स ने काफी ज्यादा मॉडिफाई किया है. इट हैज ऑल्सो इन टर्न इम्पैक्टेड ह्यूमन लाइफ, तो इसकी वजह से अब ये भी है कि इससे जो हमारी ह्यूमन लाइफ है वो भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुई है. ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इसमें क्या पढ़ने वाले, वही जो मैंने आपको बताया, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म है ना, एंड नियो डिटर्मिनिज्म एक थर्ड टॉपिक आता है. तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, देखिए नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरमेंट से किसकी मदद से, टेक्नोलॉजी. ठीक है, कर क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, किसके थ्रू कर रहे हैं दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, तो टेक्नोलॉजी कौन सी लगा रहे हैं, कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस एंड क्रिएट, बट इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स डू दे प्रोड्यूस एंड क्रिएट. ठीक है, तो यहां पर इम्पोर्टेंट क्या हो गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं कि वो क्या कर रहे हैं,
किसका यूज कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, क्या टूल्स क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है, कितने टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, ये हमें बताता है हमारा लेवल कल्चरल डेवलपमेंट का, सोसाइटी के डेवलपमेंट का. ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज. देखिए, ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी को समझा, डेवलप किया. कब किया? जब उसने नेचुरल लॉज को समझा, नेचर का जो लॉ है उसको समझने के बाद ही उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया. ऐसा नहीं उठा के कुछ भी कर दिया, नहीं, उन्होंने जितने भी डेवलपमेंट किए हैं नेचुरल लॉज को अंडरस्टैंड करने के बाद ही किए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प टू हेल्प अस डिस्कवर्ड फायर. तो इन्होंने देखा कि जो कंसेप्ट था फ्रिक्शन का और हीट का, ठीक है, पहले उसको समझा, उसी के बाद उन्होंने डिस्कवर की किसको, फायर को. इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए, डीएनए को समझा, तभी हम लोग ने क्या बता पाया, जेनेटिक अनेबल अस टू कंक्वर मेनी डिजीजेस. पहले हमने डीएनए को समझा तभी तो हम लोग डिजीजेस के बारे में पता लगा पाए. ठीक है, आज हम लोग कह देते हैं मलेरिया है, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग बता देते हैं. वो कैसे बताते हैं? जब हमने सबसे पहले डीएनए को समझा. ठीक है, वी यूज द लॉज ऑफ एरोडायनामिक्स टू डेवलप फास्टर प्लेन्स. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने लॉज को समझा, किसके लॉज को समझा, एरोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स लॉज को समझने के बाद ही हमने फास्टर प्लेन्स बनाए. ऐसा नहीं है कि उठा के प्लेन बना दिया, लेकिन हमने उससे पहले हमने किसको समझा था, किसका लॉ को समझा था, एरोडायनामिक्स के लॉ को समझा, उसके बाद हमने क्या बनाए, फास्टर प्लेन्स बनाए. तो यहाँ पर देखने की बात है कि जो टेक्निक्स हैं उसको डेवलप करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या टेक्निक यूज की जा रही है. ओके, यू कैन सी दैट नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लूजन द शैकल्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑफ ह्यूमन बींग्स. अब देखेंगे कि जो हमारी नॉलेज है या नेचर, नेचर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए. ठीक है, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर नेचुरल एनवायरमेंट ह्यूमन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता था, या प्रीवियस जो अर्ली स्टेज थी वहां पर इंटरेक्शन विद द नेचुरल एनवायरमेंट जो था ह्यूमंस का वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था. यानी कि उस समय क्या होता था, हम लोग अपनी नेचर पर डिपेंड थे. जो ह्यूमन बींग्स थे वो किस पे डिपेंडेड थे, नेचर पे डिपेंड थे. जो नेचर दे रहा था वही सारी चीजें हम लोग ले रहे थे. वहां पर अगर कोई चीज खत्म हो रही थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, वहां से मूव ऑन हो रहे थे. ठीक है, तो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस था बाय इट, नेचर से. दे अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर. यहां पर आप देखेंगे कि जो नेचर है उसको अडेप्ट कर रखा था ह्यूमन ने. दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो. क्यों? क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना के बराबर थी, है ना. आज के टाइम पे तो क्या होता है, टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग सारी चीजें, गर्मी है तो एसी लगा लिया. उस समय ऐसा नहीं था ना, तो उस समय क्या होता था, जहां पे गर्मी होती थी वहां से मूव ऑन कर जाते थे. या जो रिसोर्सेस हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं या वेजिटेशंस हैं या किसी भी तरीके की खाने पीने की जो चीजें हैं, पहले क्या होता था, आदमी सीधा खाता था, है ना. तो नहीं होता है तो वो क्या करता था, मूव ऑन कर जाता था. नेचर पे डिपेंड होता था पूरी तरीके से. क्यों? क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, है ना. द स्टेट ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो प्रिमिटिव. तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा प्रिमिटिव था, किसी तरीके का डेवलपमेंट वहां पर ह्यूमन का भी नहीं था. दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर. यहां पर आप देखेंगे कि जो इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में, प्रिमिटिव सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, यानी कि उस समय का जो नेचर का जो कंडीशन है उसके साथ में, वॉज टर्म एज एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म. उसी को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म कहते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, तो यहां पर आप देखेंगे जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसका एनवायरमेंट के साथ में जो इंटर रिलेशन था उसकी स्टडी हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म कहते हैं. जहां पर सब कुछ क्या होता था, नेचर होता था. जो पावरफुल एलिमेंट है वो क्या है यहाँ पर, नेचर है. ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो काफी कम देखने को मिलता है इस टर्म के अंदर. सो एट दैट स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वी कैन इमेजिन द
प्रेजेंस ऑफ ए नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जिस किसी तरीके का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन कहा जाता है। आप इसको सेकंड टर्म के अंदर ये भी टर्म जो है वो यूज कर सकते हो, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से ह्यूमन किस पे डिपेंडेड है, नेचर पे डिपेंड है। समझ में आया यहाँ पर? ओके, हु लिसन टू नेचर, जो कि क्या करता था, नेचर को सुनता था, ठीक है, वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फ्यूरी एंड वर्शिप्ड इट, जो कि इसके जो फ्यूरी से जो है डरता था, उसका पावर से डरता था और वो उसकी पूजा किया करता था। ओके, ये था आपका एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया बेटा? अब इसकी एक स्टोरी दे रखी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है इससे रिगार्डिंग। द स्टोरी इन द बॉक्स रिप्रेजेंट द डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ ए हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू एन इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी विद द नेचर। तो यहाँ पर स्टोरी आपको क्या बता रहा है कि जो रिलेशनशिप है ना, हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू एन इकोनॉमिकल प्रिमिटिव सोसाइटी का नेचर के साथ में किस तरीके के इंटररिलेशन है वो बताया गया है। इसको आप रीड करिएगा। रीड अदर प्रिमिटिव सोसाइटीज विच लिव इन कंप्लीट हार्मनी विद देयर नेचुरल एनवायरमेंट। यू विल रियलाइज दैट इन ऑल सच केसेस नेचर इज पावरफुल फोर्स। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सारी जगह क्या है, नेचर को ही क्या बताया गया है, पावरफुल बताया गया है, फोर्स बताया गया है, पावरफुल फोर्स बताया गया है। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, है ना, पूजा करते हैं, रिवर्स एंड कंजर्व, और इसी वजह से उसको क्या करते हैं, ये लोग कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। देयर इज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, यहां पर डिटरमिनिज्म के अंदर कि जो ह्यूमन बींग है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है नेचर पे फॉर देयर रिसोर्सेस विच सस्टेन देम, ठीक है, जो कि जिसके वजह से उनका जो पूरा है सिस्टम जो चलता है, ठीक है। द फिजिकल एनवायरमेंट फॉर सच सोसाइटीज बिकम द मदर नेचर। तो यहां पर आप देखेंगे जो फिजिकल एनवायरमेंट है ना, ऐसी सोसाइटीज के लिए क्या है, मदर नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों हुआ है मदर नेचर, क्योंकि सारी की सारी चीजें कौन दे रहा है, जैसे आपको कौन देता है सारी चीजें, खाने पीने को सब कुछ कौन देता है, मदर देती है, नहीं देती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कौन दे रहा है, फिजिकल एनवायरमेंट दे रहा है, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी को। इसीलिए हम क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए, मदर नेचर का टर्म यूज करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर आपको सारी चीजें? द पीपल बिगिन टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंटल एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर वाइल द पासिस ऑफ टाइम। अब देखो धीरे धीरे क्या होने लगा कि धीरे धीरे जो इंसान है उसने, लोग ने क्या समझने लगा, एनवायरमेंट और उसकी जो फोर्स है, नेचर का जो फोर्स है, उसको जैसे जैसे समय बीतता गया उसको समझते गए। विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमंस डेवलप बेटर एंड मोर एफिशियंट टेक्नोलॉजी। तो जैसे जैसे टाइम निकलता गया, जो सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से ह्यूमन ने काफी सारी डेवलपमेंट किए एफिशियंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। दे मूव फ्रॉम ए स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू ए स्टेट ऑफ फ्रीडम। अब यहां पर देखो वर्ड को समझना, जहां पर नेसेसिटी थी, है ना, जहां पर जरूरत होती थी वहां पर लोग रहते थे और फिर वहां से मूव ऑन कर दिया करते थे। तो नेसेसिटी से अब क्या हो गए हैं, फ्रीडम, फ्रीडम इन द सेंस कि अब हम लोग आजाद हैं, अब हम लोग कुछ भी चीजें जो है पॉसिबल कर पा रहे हैं। ओके, दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज, हमने क्या क्रिएट कर ली है, पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर ली है। ओके, आज हम लोग देखते हैं माउंटेनियस रीजंस पे हम लोग एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, हम लोग बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, हमने क्या किया, गर्मी लग रही है एसी लगा दिया, फ्रिज कर लिया। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर पॉसिबिलिटीज। पहले ऐसा थोड़ी था कि कहीं पर पानी पीने के लिए फ्रिज खोला और ठंडा पानी पी लिया, नहीं, ऐसा नहीं था। ओके, तो पॉसिबिलिटीज जो है वो हमने वक्त के साथ साथ बना ली है। विद द रिसोर्सेस ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरमेंट, जो कि किसकी हेल्प से बनाया है, जो रिसोर्सेस हमें मिले हैं नेचर से उनका यूज करते हुए। द ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप, द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएटेड एवरीवेयर। आज हम देखेंगे कि जो ह्यूमन के इम्प्रिंट्स है वो हमारे जो एक्टिविटीज है वो आपके एक या दो जगह पर नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगी एवरीवेयर। हेल्थ रिसोर्ट ऑन हाईलैंड्स अगर हम देखते हैं, है ना, ह्यूज अर्बन स्प्राउल हम लोग देखते हैं, फील्ड्स और चियार्ड्स देखते हैं, पास्चर्स एंड प्लेन्स देखते हैं, एंड रोलिंग हिल्स, स्पॉट्स ऑन द कोस्टल, ओशनिक रूट्स ऑन द ओशनिक सरफेस एंड सैटेलाइट्स इन द स्पेस। ये सब क्या है, ये सब हमने किया है ना, क्रिएट किया है ना
नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हुए, ये क्या डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए. द अर्लियर स्कॉलर्स टर्म दिस एज पॉसिबिलिज्म. अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉसिबिलिज्म कहते हैं, जहां पर ह्यूमन बीइंग ने नेचुरल जो नेचर है हमारा उससे रिसोर्सेज को ऑब्टेन करके सारी चीजों को क्या कर लिया है, पॉसिबल कर लिया है. ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, पॉसिबिलिज्म कहा जाता है. नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दीज एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज एंड स्टार्ट बियरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडियवर्स. तो आप लोग देखेंगे कि जो ह्यूमन है उसने नेचुरल जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका यूज करते हुए, उनके अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए बहुत सारी चीजों को, नेचर को क्या कर लिया है, ह्यूमनाइज्ड कर दिया है. ओके, नेचर को ह्यूमनाइज कर दिया है, गेट्स ह्यूमनाइज्ड. जहां पर नेचुरलाइज्ड था अब क्या हो गया है, ह्यूमनाइज्ड हो गया है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो सारी चीजों को क्या कर पा रहा है, पॉसिबल कर पा रहा है. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस टर्म. ओके, आगे के हम लोग कल पढ़ेंगे.